स्क्रीन पर आपके सामने है सबसे पहला सवाल कि कितने स्क्वायर फीट का हाउस है। आंसर है जस्ट 800। कैसा लगेगा अगर आप अपने मेहमानों को एक गार्डन के थ्रू वेलकम करें एक ड्राइंग रूम में विद अटैच टॉयलेट एंड एक डेस्क। चलिए आते हैं, सफर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मजेदार चीजें हैं इस घर में। और आगे दो कार पार्किंग के साथ लोअर ग्राउंड फ्लोर में हम जाते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल लैंडस्केप गार्डन के थ्रू जिसमें एक म्यूरल भी लगा है। और लोअर ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलता है एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, दो बढ़िया बाथरूम अटैच। उसके बाद हम एक अपर ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे हमें मिलता है ओपन किचन, डाइनिंग, सिटिंग, यूटिलिटी एरिया एंड द टॉयलेट। इसके ऊपर वाले फ्लोर पे अगर हम जाकर के देखते हैं तो वी विल गेट द मास्टर बेडरूम और वहां से थोड़ी सी स्लाइड लेनी है हमें। दिस इज द करिज्मा ऑफ स्प्लिट लेवल एंड वी विल गेट टू बेडरूम्स विद अटैच्ड टॉयलेट्स। सो ये एक स्प्लिट लेवल डिजाइन हाउसेस बहुत ही स्टेप वाइज डिजाइन होते हैं। उनके सारे लेवल, सारे यूजेबल एरिया एक अलग अलग फ्लोर पर हो रहे हैं। चलिए डिजाइन में आगे बढ़ते हैं तो आपको वो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। एक 1.5 हाइट का एक लगभग आपका कार पार्किंग एरिया और उसके साथ एक मैसिव सेंट्रल कोर्टयार्ड लगभग 10 फीट बाई 13.5 फीट का आपको इसमें मिल जाता है। पहले हम ड्राइंग रूम की तरफ चलते हैं। दिस इज लोअर ग्राउंड फ्लोर, ऑब्वियसली रोड लेवल से ये नीचे है, पानी भरने की समस्या होगी, टॉयलेट आपने इसमें कैसे लगा दिया, बट डोंट वरी, These are just the mechanical questions. आप एक अपने घर में AC का भी इस्तेमाल करते हैं, that is a mechanical part. इसमें एक normal सा sump pump लगता है. So this is not a big deal. This is very common thing right now. तो आपको यहाँ पे lower ground floor पे एक आपको guest bedroom मिल जाता है with again attached toilet. So, आपको लोअर ग्राउंड फ्लोर पर ही आपने जितने भी मेहमान वगैरह आए उनके लिए कैटरिंग कर दी। अब आपको हाफ फ्लाइट चल करके ग्राउंड फ्लोर से आपको लिविंग एरिया मिल गया, किचन मिल गया, ज्यादा चढ़ने की जरूरत नहीं पहुंची किचन तक के लिए। मटेरियल की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, आप यू कैन हैव अ लॉट्स ऑफ इंटीरियर मटेरियल्स, आप कुछ भी यूज करें उसमें, बट किचन के साथ एरियाज, दिस इज द यूटिलिटी एरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओपन किचन। एंड अगेन ये यूटिलिटी एरिया हमेशा ही बाहर से ओपन होना चाहिए। ये है खूबसूरती स्प्लिट लेवल डिजाइन। लिविंग से आपने बस बमुश्किल 7-8 स्टेप लिए और लीजिए आगे आप मास्टर बेडरूम में, एक बढ़िया सी बालकनी, एक बड़े से टॉयलेट के साथ। बेडरूम 4 और अभी आप बिल्डिंग के फुल हाइट तक नहीं पहुंचे, 4 बेडरूम वो भी कैसा विद अटैच टॉयलेट, कोई भी कॉम्प्रोमाइज बेडरूम नहीं है। फिर यहां से आपने जरा से और स्टेप्स लिए और आप यहाँ पे एक आ गए शाम अवध वाले सीन।
So this is like a very beautiful area designed specially to, you know, go out and sit in the nature. घर में मत बैठे रहो, बाहर निकलो, बाहर का नेचर का एंजॉय करो. And this is the core central area of the whole design. हमारे डिजाइन में ये खुला हुआ है, आप इसे बंद भी कर सकते हैं. We prefer it to open down. थोड़ी बारिश भी घर के अंदर आनी जरूरी है. ओह, हमारे पास एक टुल्लू तो लगा ही हुआ है. तो चलिए फिर इसी अच्छे डिजाइन के साथ एक विदा लेते हैं. बाकी आपको पता है कि क्या करना है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, धन्यवाद.